सो हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज डीमार्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इस कंसोलिडेट रिजल्ट की तरफ। हाँ, आ चुके हैं कंसोलिडेट रिजल्ट की तरफ। रुपीज़ इन करोड़्स में डाटा शो किया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी की रेवेन्यू। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में 11,600 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10,673 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 9,243 करोड़ की थी। तो इनकम के दौर पे देखा जाए तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ग्रोथ देखी जा रही है। एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में 10,786 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,925 का था और पिछले ईयर में 8,493 करोड़ का एक्सपेंस था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही एक्सपेंस बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को निकाले तो अपने पास नेट प्रॉफिट बचता है। तो नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में कंपनी ने 589 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 685 था। यानी क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो प्रॉफिट में अभी गिरावट आई है और पिछले ईयर में 552 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयरली वाइज कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट इसका फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ईपीएस में क्या दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर का ईपीएस 9.10 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10.58 था। यानी क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो ईपीएस में गिरावट आई है इस क्वार्टर में, और ईयरली वाइज देखा जाए तो 8.53 था पिछले ईयर में। तो थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है ईपीएस में। मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो अगर हम टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट देख रहे हैं, तो उसमें कंपनी ने क्वार्टर में गिरावट दिखाई ज़रूर दे रही है, पर अगर आप बिफोर टैक्स देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट ग्रोथ में ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ 811 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 747 करोड़ था। यानी क्वार्टर वाइज ग्रोथ दिखाई दी है और ईयर वाइज भी दिखाई दी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए एक इसके शेयर प्राइस पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है, क्योंकि टोटल नेट प्रॉफिट इसका डी ग्रोथ में आया है क्वार्टर में, और ईयरली में भी थोड़ा फ्लैट सा आया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा इसमें पैनिक सेलिंग देख सकते हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसमें ज़रूर आप बाइंग कीजिएगा जब ये नीचे आए। तो ऐसे रिजल्ट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।